सिंगापुर इंकलाब सिंगापुर अगर हम किसी का एहसास करानी होगी मजदूरों को काम दो मजदूरों को काम दो मजदूरों को रोटी ना देने वाली सब हार ही नहीं देश ही नहीं संसार में आज एक ऐसी त्रासदी कोरोना के नाम पर है जिससे हम लोग सब संतुष्ट हैं लेकिन इस काल को ठीक से डील करने में केंद्र सरकार हम समझते हैं कि कारण कि अगर 10 मार्च को नरेंद्र मोदी जी कह देते कि 25 से 24 से हम लॉकडाउन करेंगे जो मजदूर जहां हैं अपना चले जाइए घर हम समझते हैं किसी मजदूर को कोई दिक्कत नहीं होती सब अपना घर चला आज ऐसा न करके इतना वैध घोषणा किए जिसके चलते हजारों हजार मजदूर हजार किलोमीटर से पैदल आकर के भूखे मर करके तम तम से गर्भवती हमारी बेटियां चली रास्ते में गिर भी हुआ इस तरह से घर पर यहां पर आए हैं तो ये जान बुझ करके केंद्र सरकार के द्वारा हमारे प्रवासी मजदूरों को आज नीचे करो भाई रही बात राज्य सरकार क्वारंटाइन के नाम पर सारी व्यवस्था का जिम्मेवारी लिया और सारी व्यवस्था की घोषणा की तावड़तोड़ माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिव्यू किया निर्देश जारी किया लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश का अनुपालन हम समझते हैं कि 10% भी नहीं हुआ और इसकी चर्चा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम माननीय मुख्यमंत्री से कहा था कि आप सभी पदाधिकारियों पर सारा काम छोड़ दिए हैं इसके चलते ये बात हो रही है आप जनप्रतिनिधियों को भी इन्वॉल्व कराइए लेकिन जनप्रतिनिधियों को उन्होंने इन्वॉल्व नहीं कराया और बदस्तूर आज क्वारंटाइन सेंटर पर लूट होते रहा लूट दो तरह से हुआ एक तो इतनी संख्या में क्वारंटाइन बताया गया उतनी संख्या में केंद्र पर लोग नहीं रहे और दूसरी बात जो भी खाना पीना कपड़ा लत्ता साबुन देना था वो लोगों को नहीं मिला इसमें गंभीर घोटाला हुआ है इस चार्ज को हम माननीय मुख्यमंत्री को आगाह करने के बाद इसमें सुधार नहीं हुआ तो आज हम लोग सत्याग्रह कहिए आज हम लोग धरना पर बैठे हैं दूसरी बात ये है ठीक है अभी हमारे साथी बोल रहे थे माननीय मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि जितने भी राशन कार्ड धारी हैं उनको तो जो सहूलियत मिलना है मिलने करेगा चाहे अनाज का सवाल हो पैसा का सवाल ऊपर ऊपर लेकिन जिनका आवेदन पेंडिंग है उसको शीघ्र से शीघ्र निस्तारित कर करके आप राशन कार्ड बनाइए वो राशन कार्ड अभी तक नहीं बना आज के माध्यम से हम मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आज हकीकत को समझें और पुनः कारगर ढंग से आदेश दें और उसमें इम्प्लीमेंट करावें ताकि कोई आदमी यहाँ बिना राशन कार्ड का नहीं रहे इसके बाद जो क्वारंटाइन सेंटर से बाहर जा रहे हैं हमारे मजदूर लोग वे सब बेकाम हैं उनके सामने जीवन जीविका का सवाल आ गया है अगर उनको एक महीना के अंदर नहीं मिलेगा खाना पीना और ये सब का तो हम समझते हैं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिहार में आ सकती है और अभी अगर कहें कि हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं इंडस्ट्री लगावेंगे घोषणा करेंगे तो इससे काम नहीं चलेगा 15 साल के राज्य में अभी तक इनको अनेकों फैक्ट्रियाँ लगाना चाहिए था लेकिन एक फैक्ट्री भी नहीं इन्होंने लगाया इन्होंने कहा था 2005 में कि बिहार से पलायन कोई नहीं करेगा बिहार में काम करने के लिए आएगा और आप देख लीजिए आज कि कोई कहता है 27 लाख कोई कहता है 37 लाख हम कहते हैं 70 लाख हमारे लोग बाहर रह रहे थे उनको रोजगार यथा संभव नहीं जथा शीघ्र मुहैया करावें ये मांग हमारी है और नहीं तो फिर हमारे मजदूर पुनः हो सकता है कि जिस राज्य से आए हैं जहां नहीं जाना चाहते हैं लाचारी पेट के लिए वहां भी वो चले जाएं तो ये भी मांग है कि जथा शीघ्र उन लोगों को रोजगार दें और फिर इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट आ रहा है कृषि विभाग के माध्यम से या ग्रामीण विकास के माध्यम से कि 8 लाख मजदूरों को डेली हम जॉब दे रहे हैं काम दे रहे हैं ये महान बोगस है महान झूठी बात है ये वो काम दे रहे होंगे हम समझते हैं कि सारा काम
मशीन से हो रहा है, जेसीबी से हो रहा है, और मास्टर रोल बोगस बनाया जा रहा है। मास्टर रोल बोगस बना करके पैसा निकाला जा रहा है, घोटाला हुआ है। इसीलिए क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था और मनरेगा में मास्टर रोल की तैयारी, ये दोनों को हम लोग सीबीआई जांच कराने की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं।